स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनित भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनित भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा का प्रभाव पूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुभवन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य ने केवल गुरु से विनित होकर सुने, अपने विनित भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनित हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। अच्छा सुनो, अजय को फोन करो। अजय को बोलो स्टैंड लिया ना, अपना वो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, फिर वो कुछ चला देंगे। स्टैंड आप ले, स्टैंड लेकर चला देंगे। फोन लगाया, रखिए आप लगा, फोन कीजिए। फोन करके यहीं बैठ जाना, वो लेके आ जाएगा उस एड्रेस पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आपने दिया है तो समय धारण करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे महाराज की भक्ति निकाल दे रहे हैं तुरंत। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आज है रविवार 8 अक्टूबर 2023। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार कि गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें गुरु को समर्पण करना चाहिए। बिना समर्पण के हमें कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत ही हरि भक्ति उत्पादते ही कैवते। बिना श्रुति शास्त्र के आधार के अगर आप भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो ऐसी भक्ति केवल उत्पात पहुंचाती है। उत्पात मतलब समझते हैं, भूकंप आना या बाढ़ आ जाना या फिर बहुत बड़ा हादसा। तो अगर हम श्रुति स्मृति, श्रुति यानी कि उपनिषद वेद, स्मृति मतलब उपनिषद वेद, इनको पढ़ के पढ़ने के बाद उसको जब समझाया जाता है तो उसको बोलते हैं स्मृति। जैसे महाभारत हो गए, जैसे पुराण हो गए, रामायण हो गए, सब स्मृति शास्त्र है। श्रुति स्मृति पुराण आदि इन सब शास्त्रों के आधार पर हमें भक्ति करनी चाहिए। हमें जो भी मार्गदर्शन दिया गया है, किस प्रकार हमें एक भक्त का जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार हमें शास्त्र में कहा गया है संख्या पूर्वक। हमारे जो शरद गोस्वामी थे, आज मुझे ऐसा लग रहा है कॉलेज में बैठा हूं ऐसे कॉलम टेबल रहता है, लेकिन बच्चे नीचे नहीं बैठते, कुर्सी पे बैठते, टेबल पे बैठते, लेकिन आप नीचे बैठे हैं। आप लोगों को भी स्टूडेंट कैसा लग रहा है क्या? बच्चों को लग रहा है। तो क्या बोल रहा था मैं? अरे अभी जस्ट भूकंप, अरे अभी जस्ट कुछ बोल रहा था मैं, उसके पहले भी कुछ बोल रहा था। शिष्य कैसा होना चाहिए? तो बहुत पहले बोल रहा था, कुछ तो बोल रहा था मैं। रामायण पढ़ने के बाद लोगों को समझा। हाँ, संख्या पूर्वक,
टेंशन बिल्कुल कहाँ कहाँ की बातें याद कर रहे हैं, चलिए घंटे पहले बताइए संख्या पूर्वक शास्त्र में कहा गया है हमें जब कैसे करना चाहिए, संख्या पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि अगर संख्या पूर्वक नहीं करेंगे तो जब होगा ही नहीं। अगर हम आपको पूछेंगे आप कितना जप करते हैं, आप बोलते हैं कि अरे हम तो मन में जप करते रहते दिन भर, मतलब कुछ भी नहीं करते। अगर आपके कंपनी का मालिक मालूम है ना, सॉरी अकाउंट मालूम, अकाउंटेंट कंपनी का वो हिसाब रखता है ना आपके मंथली पगार का, रोज कितने बजे आया कितने बजे गया, अटेंडेंस रजिस्टर रहता है उसके पास। अगर उसको पूछा जाए भाई ये व्यक्ति का पगार कितना है, वो तो हमने मन में कैलकुलेट करके रख लिया है, तो कैसे होगा? ऐसा अगर आपको बोलेगा तो आप पहले डर जाएंगे। ये कंपनी सेक्रेटरी है ना, आप लोग ऐसा देखते हैं सब इधर अच्छा लॉ देखते हैं, तो आप लॉ बनाते हैं कि अटेंडेंस रोज का होना चाहिए। तो आप लोग अगर बोलेंगे मन के अंदर हमने हिसाब कर लिया है कितना पगार है इनका महीने का, तो फिर बहुत खतरनाक है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ज्यादा होगा तो अच्छी बात, कम होगा तो हमारे लिए खतरा है ना। अरे यहाँ पे एचआर है ना, क्या नाम है, सुजीता माता जी, तो उनको पता है आप ही निकालते ना पगार, एचआर तो निकालते है। तो अगर कल को कोई उनको पूछेगा कितना पगार है, अरे वो कैलकुलेट करके रखा हमने मन के अंदर, अच्छा 30 दिन प्लस इतना ओटी है, क्या प्रूफ है ना, वो हम क्या अंदर है, ऐसे नहीं चलेगा ना, रिकॉर्ड चाहिए ना। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है संख्या पूर्वक। अब कितनी माला करते हैं आपको रोज डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, कुछ लोग आईने में देख रहे हैं मेरे पीछे लोग शांति से बैठे कि नहीं बैठे बहुत कुछ दिख रहे हैं दिख रहा इसलिए ताकि अगर वेटिंग में खड़ा रहना पड़े तो लोग ज्यादा चिड़चिड़ ना करें, क्योंकि आईना रहेगा तो ऐसे मिलते हैं ऐसा करते हैं, अभी अपना तो है ऐसा करो ऐसा करो शिखा भी कट गया है इतना ही है, तो हमारे ब्रह्मचारी देखते हैं ऐसा, तो डबल आईना रखा ना बाथरूम में, ऐसा देखते हैं ऐसा दिख रहा है अच्छा दिख रहा है, थोड़ा लंबा होना चाहिए थोड़ा करली होना चाहिए। लेकिन ये अभी तो आप लोग इसमें देख रहे हैं बार बार अपने आपको तो बाद में वीडियो रिकॉर्ड करके दिखेगा मुझे कौन कौन आईने में देख रहा था, पूरा आईना उसमें आ रहा है रिकॉर्डिंग में। तो संख्या पूर्वक हमें संख्या पूर्वक करना चाहिए। इसलिए कल को अगर आपको पूछा जाए आप कितने माला करते हैं, तो आप उत्तर मत देना कि हम तो करते हैं माला करते हैं, कितना करते हैं करते हैं हम, आप कितना माला करते हैं 12 तो हमने कुछ बोला क्या मैं टेंशन क्यों ले रहा हूँ, मैं तो एक माला करेगा तो खुश होता था, मतलब आप एक कोई भी 12 कर रहे हैं ना बहुत अच्छा है, 12 कर रहे हैं तो धीरे धीरे 16 तो अपने आ जाएंगे आप, 32 भी कर लेंगे, बोलो हरि बोल। आप कितना करते हैं सिद्धांत 5 छोटा वाला भी अपना रेगुलर 108 वाला 108 वाला मम्मी से पूछना पड़ेगा, अच्छा इसीलिए 5 बोल रहे अच्छा इससे भी चेकिंग करवाना पड़ेगा, क्या नाम है इसका निवेद, मेकअप आ गया चेकिंग करना, जब माला गले में डाल के आया दिखा रहा है प्रमाण है कि मैं जब करता हूँ बाबा पूछना मत मुझे कितना करता हूँ, मैं पूछना जब करता हूँ मैं प्रूफ के साथ। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है गुरु
साधु और शास्त्र तीन ट्रिनिटी है, ट्राइंगल। एक तरफ गुरु है, अगर कुछ गुरु में गड़बड़ हो गया तो साधु है, साधु में कुछ गड़बड़ हो गया तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए शास्त्र है, शास्त्र में कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। और अगर गड़बड़ भी हुआ या आपको समझ में नहीं आया तो उसको क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक करने के लिए फिर साधु और शास्त्र गुरु रहते हैं। इसलिए तीन है। कभी कभी आपको शास्त्र समझ में नहीं आते ना, तो आप गुरु को पूछते हैं, फिर आपका शंका का निरसन होता है। और कभी कभी गुरु कुछ अलग तरह से व्यवहार करते हैं तो आप शास्त्र को पूछते हैं कि सही है कि गलत है, या फिर कोई अगर साधु व्यवहार उत्पन्न करता है तो आप शास्त्र से निकालते हैं, गुरु से पूछते हैं। इस तरह से क्रॉस वेरीफाई करके हम लोग आगे चलते हैं, गुरु साधु शास्त्र। तो हम इसी कड़ी में श्रीमद भागवत ये होगी, श्रीपद रामानुचार्य की कथा का आस्वादन कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते अगर आपको याद रहेगा हम लोग क्या चर्चा किए थे, याद है आपको? कुछ रामानुचार्य की कथा है तो उनका नाम तो आएगा। उस कथा में क्या देख रहे थे हम लोग लास्ट टाइम? कौन अभी तो मैं पूरा टीचर को बोल रहा हूँ क्योंकि ये बेंच, ये टेबल टीचर का है। कुछ याद है पुरेश करके? पुरेश पूरा गांव छोड़कर गए थे, वो उनके घर का दरवाजा जब खुलता था, ये सब क्यों होने वाले ना आईने की वजह से हो रहे। आप लोगों को याद नहीं आ रहा क्योंकि आईने में देख रहे आप लोग, आईने में मत देखिए। तो उनके पास इतना धन दौलत था, सुबह से लेकर शाम तक बांटते रहते थे। इतना है किसके पास आज? अगर बिल गेट भी चालू कर देगा तो मुझे लगता है खत्म हो जाएगा एक महीने के अंदर। नहीं होगा, आशीष तो आउट है, बोले नहीं खत्म होगा। तो अभी देखिए, अब वो प्रसंग देखने के बाद हमने जो प्रसंग देखा था, फिर पुरेश और उनकी पत्नी श्रीपद रामानुचार्य के पास रंगनाथ मंदिर में गए थे और वहां पे रह के उन्होंने अपना जीवन एक भिक्षु की तरह बिताना चालू कर दिया, बराबर भिक्षा मांग कर। इतने बड़े आचार्य थे, सॉरी इतने बड़े धनवान व्यक्ति थे, लेकिन जब हमें भगवान को प्राप्त करना होता है तो भगवान के सामने हमें नतमस्तक होना जरूरी है, नम्र होना जरूरी है, राइट? किधर गया वो हमारा बॉडीगार्ड? हाँ, उसको बोला खाली फोन करना, तो वो स्टैंडिंग लेने के लिए गया। ठीक है, हनुमान जी का अवतार लग रहा है, कहीं पूरा घोड़ा उठा के ना लेके आ जाए। आप जाएंगे कभी कभी? क्या होता है स्कूल में अगर हमको ब्रेक लेना होता तुम टीचर को बोलते थे कुछ सेवा है टीचर? अच्छा बोले क्या, मैं जाता हूँ, मैं लेकर फिर 10-15 मिनट गायब। तो ऐसा तो नहीं ना कहीं, ऐसा मत कीजिए। तो हम लोग उस कथा को देखे थे, फिर उसके बाद जब ये कथा पूरी हो गई, श्रीपाद रामानुचार्य के पास पुरेश इन्होंने ज्वाइनिंग किया और अपनी पत्नी के साथ सेवा करने लगे। उनका हमने एडवेंचर वाला जर्नी भी देखा था जंतु से होकर, फिर वो एक सोने का कप उन्होंने फेंक दिया था, अगर हम आसपास पास तो कैच कर लेते। उसके बाद फिर अध्याय नंबर, ऐसा दरवाजा आवाज आया जैसे मानो आज महल भी पुरुष के महल जैसे पड़ रहा है, एकदम हीरे मोती वाला। अबे देखो मैं फीस नहीं पूछा उनको। तो उसके बाद अगला अध्याय आता है गोविंद का कन्वर्जन। आपको पता रहेगा श्रीपाद रामानुचार्य के एक और भाई थे, उनका नाम था गोविंद, जो कि बनारस में यात्रा करते समय पीछे रह गए थे मतलब रामानुचार्य उनके निकल जाने के बाद गोविंदा
वहीं पे रुक गए थे जिनको शिवलिंग मिला था, याद है? कुछ याद है? नहीं याद है, थोड़ा थोड़ा याद है। और शिवलिंग लेकर उन्होंने काला हस्ती करके जगह है, उस काला हस्ती जगह में भगवान शिव के मंदिर में सेवा करना चालू कर दिया था। तो अभी इस चैप्टर में ये प्रश्न आता है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य श्रीरंगम में बैठकर सोचते हैं कि अभी मेरे पास दाशरथ आ गया, कुरेश आ गया, ये मेरे दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सहयोगी आ गए मेरे साथ। यादव प्रकाश का भी हमने परिवर्तन देखा पिछले एक दो लक्ष्य पहले। अब वो सोचते हैं कि अगर गोविंद मेरे पास आएगा क्या हुआ? ठंडी लग रही है यार आपको? ठंडी लग रही है, आवाज ज्यादा ये हो रहा है, ठीक है ना? भूख लग रही है, सवा नौ बजे नहीं, इसी ऊपर तो नहीं लगता। तो गोविंदा रामानुजाचार्य चाहते थे कि गोविंदा उनके पार्टी में ज्वाइन करे। अब देखिए आज यहाँ कुछ शिव भक्त भी रहेंगे, कहाँ है शिव भक्त? हाथ ऊपर कीजिए, शिव भक्त है ना आपको? लेकिन आज शिवजी देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि गोविंदा शिवजी के भक्त बन गए थे, पहले वैष्णव थे फिर शिवजी के भक्त बन गए, फिर शिवजी का सेवा कर रहे थे कालावस्थी में, और श्रीपाद रामानुजाचार्य इन्होंने विचार किया ठीक है शांति से इधर आगे आगे लगा, ठीक है? नहीं देखिए हम स्टैंडिंग लगाने का क्या किसको है आपको है? इसको बाकी लोग ध्यान से सुनते रहिए। तो उस समय रामानुजाचार्य के विचार की वजह से श्री शैल गुरुनाथ के उनके एक शिष्य हैं, ध्यान दीजिए भगवान जब प्रकट होंगे तो कहिएगा गोविंद आदि पुरुष, श्री शैल गुरुनाथ के यमुनाचार्य के शिष्य थे। तो रामानुजाचार्य श्री शैल गुरुनाथ को कैसे डायरेक्टली उसके पहले श्री शैलपुरण के मन में विचार आता है कि गोविंदा को क्यों वापस लाया जाए और रामानुजाचार्य के पार्टी में उनको इन्वॉल्व किया जाए। उस समय रामानुजाचार्य भी सोचते हैं और रामानुजाचार्य कहते हैं कि क्यों ना श्री शैलपुरण को भेजा जाए, जब दोनों का विचार एकदम मेल खाता है तो श्री शैलपुरण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने मिशन पे निकलते हैं। तो श्री शैलपुरण काला हस्ती करके जगह है वहां पे जाते हैं जहां पे गोविंदा भगवान शंकर का पूजा करने के लिए नहीं गिर गया, नहीं नहीं उसके नीचे पीछे एक ब्लैक नीचे ना वो एक होल रहता है उसके अंदर फिट करो उसको, पीछे पीछे कर उसके अंदर उसको इंसर्ट करो तो वो गिरेगा नहीं, हाँ ठीक है ये हारमोनियम सामने रख दो और हार उसके ऊपर सामने रख। तो अभी देखिए गोविंदा का रोज का कार्यक्रम क्या था, जाकर वहां पे एक जल स्रोत था, वहां पर जाकर भगवान शिव के लिए रोज जल लेके आना। तो गोविंदा उस दिन जल लेने के लिए गए थे और उस समय श्री शैलपुर वहां पे गए बराबर प्लानिंग के साथ, ये उनका पहला प्लान था। और कहने लगे व्हाट फ्रूट विल यू गेट, व्हाट फ्रूट विल यू गेट बाय कोल्ड वेरिंग कोनारी डिकेड थिंग्स। तो ये थोड़ा इंग्लिश में एक तरह का गाली है, मतलब जो शैव भक्त हैं वो बिल्कुल सावधान होकर सुनिए। यहाँ पे श्री शैलपुरण बोलते हैं कि उस शिव की पूजा करके क्या मिलेगा, ठीक है शैलपुरण बोल रहे हैं। और गोविंदा सुनता है, अच्छा उस शिव की पूजा करके क्या मिलेगा है ना, और फिर इतना बोल के श्री शैलपुरण वहां से चुपचाप निकलते हैं वापस तिरुपति के लिए और कुछ नहीं बोलते। वो क्या करते हैं
सोचते हैं चलो मैंने आपको इतना बोलना था बोल दिया, बाकी का काम मैं भगवान को करने, भगवान नहीं भगवान विष्णु। मैं आपके मिस्टर किधर गया आज, मिस्टर किधर है? शिव जी के महान भक्त है, ठीक है उनको अकॉर्डिंग दिया जाए। अब देखिए श्री शैलपुर में चले जाते तिरुपति अपना सेवा करने के लिए, और श्री शैलपुर में इस तरह से विचार करते हैं कि अभी बचा हुआ काम भगवान बालाजी कर देंगे, तिरुपति करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि भक्तों का प्लान कभी भगवान के प्लान से बढ़कर होता है, क्योंकि भक्तों के हृदय में इतना कंपैशन है इस संसार के लिए, कभी भी भगवान वही कंपैशन भगवान के अंदर है वही भक्तों के अंदर आया है, लेकिन भगवान अपने भक्तों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं ये देखकर कि मेरा भक्त कितना सोचता है यार संसार के बारे में, उतना तो मैं भी कभी सोचू नहीं सोचू। हालांकि वही उनका भाव है वो भक्तों के अंदर देते हैं, लेकिन भगवान ये दिखाने के लिए कि भक्त कितना कष्ट करता है संसार में प्रचार करने के लिए, राइट। सो दैट्स व्हाई यहां पे कहते हैं पूर्णा दो ही विल ट्राई प्लान इवन लाइक द प्लान्स ऑफ गॉड हु वर्क्स विदाउट बीइंग सीन एंड इज अननोन बाय मेन एज द प्लानर। भगवान जो प्लान बनाते हैं वो दिखता है क्या? अभी भगवान ने बहुत सारा प्लान बना के रखा है हर किसी के लिए, हर क्षण भगवान प्लान बनाते रहते हैं इसको कैसे मैं भक्त बनाऊं, इसको कैसे भक्त बनाऊं, तो प्लान में दिखता नहीं, लेकिन प्लान भगवान बनाते रहते हैं। गोपीनाथ जी यहाँ खड़े हैं सामने सोच रहे हैं कैसे इसका उद्धार किया जाए, इसे चैंटिंग कैसे करवाया जाए, इसलिए अभी इनको बारह माला बोल रहे थे तो अभी 60 चालू हो जाएगा उनका ये कार्तिक में। बोलो हरि बोल, कार्तिक आ ही रहा है। और जितने भी भक्त यहाँ पे अधिकांश भक्त हमें लगता है कितना साल हो गया, एक साल हो गया, दो साल, एक साल, तो अभी कार्तिक आते ही बहुत कुछ होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग 16 राउंड्स पे आएंगे, बहुत सारे लोग जो चार माला पे थे वो आठ माला बारह माला पे आ जाएंगे। बोलिए अपने आप के लिए हरि बोल, किसी को शंका है इसमें? शंका है तो उसका निरसन बाबूलनाथ में जाइएगा, शिव जी करेंगे क्योंकि उनका पसंद चल रहा है आज। यस, तो इसमें टू द वर्ल्ड गॉड सीम्स एज इफ स्लीपिंग बट ही इज ऑल वेकफुल फॉर रीजनिंग विद इन हिमसेल्फ पूर्णा रोड इज गुरु जमुनाज वर्स। हमें क्या लगता है कि भगवान क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। अभी कौन सा चालू है समय? देवशयनी एकादशी ना, बोलते सब भगवान सो जाते हैं, सारे देवता सो जाते हैं, कोई नहीं सोता है, सब काम कर रहे हैं। यहां तक कि हम लोग भी जब निद्रा अवस्था में रहते हैं हम लोग सोते नहीं है, शरीर सोता है, हम लोग जागृत रहते हैं, इसलिए मन के सूक्ष्म स्तर पर हमारे अनेक अनेक विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं आपके विचार, है ना? कोई सोता नहीं है, शरीर सोता है, कोई खाता नहीं है, शरीर खाता है, हाँ प्रसाद आत्मा खाता है, लेकिन बाहर का बर्गर वड़ा पाव बॉडी खाता है, मंदिर का प्रसाद आत्मा खाता है और शरीर नहीं खाता है। इसीलिए शरीर बोलते हैं अरे यार बहुत हो गया खिचड़ी रोज खा रहा हूं, कुछ नया कुछ खिलाओ यार। तो उनका जो पहला प्लान था इतना बोल के चले गए, दूसरा प्लान बनाते हैं दूसरा, फिर कुछ दिनों में वापस आते हैं, पहले इतना बोल दिया कि कौन ऐसे यू नो या फिर ऐसे शिव की पूजा करके क्या फल मिलेगा तुमको, इतना बोल के चले गए। दूसरी बार आते हैं और दूसरी बार आने के बाद ये विचार करते हुए कि भगवान काम कर रहे हैं धीरे धीरे, मुझे केवल कुछ एक हिंट छोड़ना है, एक
पेड़ का पत्ता लेते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, स्वभाव स्वाभाविक स्वभाव एकांत अधिकार करके यमुनाचार्य का उनका एक फ्रेज है, उस पे लिख देते हैं। और पानी में तैरते हुए अभी सब जो वहां पे पानी भर रहा है गोविंद का, उसका नाम तब नैनर था, और यहाँ पे श्री शैल पूर्ण यहाँ से पत्ता छोड़ देते बहते पानी में, वो पत्ता बहते 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 वहां जो मटका भर रहा था उसी को देते हैं। गोविंद का देखते हैं क्या है, वो देखता है और उसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ है ना। और ये सब देख, अभी अगर आपको कुछ ऐसा आ गया मैसेज, समझो आपको अगर व्हाट्सएप भी आता है तो भी आप इंक्वायरी करते हैं किसने मैसेज भेजा है, भाई कौन है, क्या चाहिए आपको, इंक्वायरी करते हैं आपको। तो वो जमाने में ऐसा व्हाट्सएप मैसेज चलता था पत्ते के ऊपर लगे पानी में छोड़ दिया, और फिर शहर पूर्ण वेट करने लगे क्या होता है, और पत्ता उनके पास गया, फिर भी उन्होंने क्या किया, ध्यान नहीं दिया, नहीं देखना मुझे, मुझे अपना सेवा में ध्यान देना है, मैं पक्का शिव भक्त हूं और अपना सेवा करते रहे। लेकिन थोड़े दिन में उन्होंने उनके मन में वापस क्या हो गया, नहीं नहीं क्या है वो देखना पड़ेगा क्यूरियोसिटी किल्स द कैट बोलते हैं इंग्लिश में, जिज्ञासा। तो आपको भी जिज्ञासा रही होगी, हरे कृष्ण वाले क्या है यार, वो क्या करते हैं लोग, फिर उधर मंदिर में जाके देखते हैं, बस हो गया आपका काम फिनिश, भौतिक जीवन बर्बाद हो गया आपका मेटेरियल लाइफ फिनिश। अभी अगर मेटेरियल लाइफ में एंजॉय भी करना चाहे तो आप एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मालूम पड़ गया आध्यात्मिक जीवन के बारे में। तो अगर कुछ बाहर ज्यादा पिकनिक में जाएंगे तो भी लगता है कि अरे यार जब करना चाहिए, ज्यादा ही एंजॉय कर रहा हूं मैं, ऐसा मन में आता है, एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्यूरियोसिटी। तो गोविंद के मन में भी क्यूरियोसिटी आया, और फिर उनके मन में वैसा विचार आया जैसे वाल्मीकि, उन्होंने एक पक्षी का शिकार किया था ना वाल्मीकि बनने के पहले, राइट, सॉरी पक्षी का नहीं, वाल्मीकि ने शिकार नहीं किया था, एक शिकारी शिकार कर रहा था और उसको देखकर वाल्मीकि को कुछ विचार आए थे, भाव प्रकट हुए थे उनके मन में उस पक्षी की निर्मम हत्या देखकर, बराबर ना, ऐसे था ना। तो उनका कहते हैं उनका शोक एक श्लोक में बदल गया था, उसी प्रकार यहाँ पे गोविंदा इसके मन में विचार आता है कि ये क्या है, और फिर गोविंदा बोलता है कि ये किसका, यू नो उस समय पूर्णा, एक्चुअली पूर्णा को एड्रेस करते समय करते हुए बोलता है गोविंदा कि आपका कुछ प्रॉपर्टी घूम गया है क्या, वो पत्ते को देखकर बोला गया कि उनके जेब से कुछ गिर गया है, उनका कुछ लेटर रहेगा कहीं का कुछ ऑफिस का डॉक्यूमेंट रहेगा, एमडी का पेपर रहेगा, क्या पता नहीं क्या है, आपके दिमाग में तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ कितने इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने सोचा कुछ आपका प्रॉपर्टी घूम गया है क्या। तो उस समय श्री शैल पूर्ण बोलते हैं हमारा कोई प्रॉपर्टी खो नहीं गया है, आपका प्रॉपर्टी खो गया है, आपको पता है आपका संपत्ति खो गया है ये बहुत लंबा कन्वर्सेशन है रिडल्स में, मतलब क्वेश्चन आंसर में, यू नो। उस समय नैनर यानी गोविंदा वो बोलते हैं कि आप सब लोग, क्योंकि जो गोविंदा थे, सॉरी श्री शैल पुराण थे, अपने भक्तों के साथ थे वहां पे बहुत सारे, तो बोलते कि आप सर आप इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, सेम ड्रेस सेम कलर कोड सेम तिलक, और हमारे लोग तो वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लगा था शिवजी वाले, और आपके तो सीधे तिलक है, इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, ऐसा बोलते हैं वो। उस समय श्री शैल पुराण बोलते हैं कि हम सब उस मार्ग की तरफ जा रहे हैं जिस मार्ग में अंतिम में सब लोग आ जाते हैं, ये सब कोड वोड में काम चल रहा है, गणित कुछ तो कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं ना शैल पुराण बोलते हैं ये ऐसा मार्ग है या फिर एक ऐसा समंदर है जिसमें सारी नदियां अंतिम में आकर मिलती है, सारी नदियों को सागर में जाना पड़ता है ना,
नदी थोड़ी किसी आपके बड़े आपका कितना भी बड़ा तालाब होने दो, जैसे ओडिशा में चिल्का लेक है वो यही आपका ओडिशा वाला, आप ओडिशा से एक ही एक पे विशेष इसीलिए कि सोलह माला होनी चाहिए सुन चिल्का लेक है ना ओडिशा में चिलिका चिलिका आप चिलिका बोल देते चिलिका बोलते तो बहुत बड़ा है ना तो बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके अंदर नदी आ जाए, मतलब नदियों को तो जहां जाना उनका रास्ता है सागर की तरफ उधर ही चले जाएंगे ना। तो इस संसार में ये भी भगवान के पास है उनका भी रास्ता उधर ही उनका भी संसार तो श्री शैलपुर ऐसे बोलते हैं हृदय में है ना। तो उस समय गोविंद बोलते हैं बट इसने जो पाथ For those who stand aloof like you, वो तो ये लेकिन आप जैसे अलग से खड़े हैं कि आपके लिए कोई मार्ग है, you know, संसार में चलने का। तो उस समय श्री शैलपुत्र बोलते हैं, अरे अकेले अलग से हम खड़े नहीं हैं, आप खड़े हो। तो अभी इतना जोरदार प्रचार हो रहा है, भयंकर। मतलब हर सवाल का जवाब इस तरह से दे रहे हैं कि गोविंद को कुछ बोलने को सुन ही नहीं रहे कि क्या बोलूं मैं। गोविंद को समझ रहा है कि क्या कहना चाहते हो, है ना। उस समय गोविंद बोलते नेवर माइंड, क्या आप यहाँ पे आपके कुछ खोए हुए रिश्तेदार को ढूंढने के लिए आए हैं क्या। तो उस समय श्री शैलपुत्र बोलते हैं, नहीं हम लोग यहाँ पे उनको ढूंढने नहीं आए, उनको रिक्लेम करने के लिए आए, खरीदने के लिए आए। ढूंढना एक होता है और वापस घर वापसी बोलते हैं आप उसको, घर वापसी होता है सारे लोग। तो ढूंढना एक बात होती है और घर वापसी करना एक बात होती है, बोलते हम घर वापसी करने के लिए आए हैं आप, राइट। तो इस तरह से कन्वर्सेशन आगे चलता है। उस समय गोविंद बोलते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि शिवजी के वाहक नंदी उनके चरणों का जो धूल है वो पूरे संसार को पवित्र करता है। तो उस समय स्त्री शैलपुत्र बोलते हैं, इस संसार में कोई भी यू नो धूलि या धूल कोई भी यू नो पवित्र नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉर द वन व्हिच इज बोर्न फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु के चरण कमलों का धूल छोड़कर दूसरा कोई भी धूल किसी को शुद्ध नहीं कर सकता। शिव भक्त थोड़े इक्विपमेंट हो जाए, थोड़े दुखी हो रहे हैं, बोले क्या हो रहा है सब, हमको कन्वर्ट कर रहे हैं क्या, इसका तात्पर्य आना बाकी है। ये सब कन्वर्सेशन चल रहा है वन टू वन, है ना। और यहाँ पे बोलते हैं श्री शैलपुत्र बोलते हैं कि बट नॉट दैट बिटन फ्रॉम द अनहोली बर्निंग ऑफ क्रिमेटोरियम ग्राउंड वेयर शिवा ड्वेल्स। अरे शिवजी और उनके नंदी तो कहाँ घूमते हैं, स्मशान में घूमते हैं ना। तो अभी स्मशान भूमि की धूल पवित्र करेगी कि श्री विष्णु श्री विष्णु उनके वैकुंठवासी चरणों की धूल हमको पवित्र करेगी। तो अभी इतना सुनने के बाद जितने भी शिव भक्त हो बड़े परेशान हो रहे हैं अभी यहाँ पे, बोले क्या हो रहा है यहाँ पे, आप शिवजी के अगेंस्ट है क्या, देखिए क्या होता है। इसीलिए कभी देखिए कुछ कुछ लोग क्या रहते हैं, थोड़े इमेचुअली कभी वीडियो देखते हैं, कट पेस्ट करके क्लिप निकाल के हमारा वायरल करते हैं। तो पूरा वीडियो देखना चाहिए क्या होता है, अंत तक देखिए ना क्या होता है, ठीक है ना। मौसी तक गई, अच्छा मौसी के साथ बच्चा बैठा है, मौसी खेल रही है, वो बेचारा खुजला रहा है, ये बोला क्या हो रहा है यहाँ, आज कुछ स्टोरी सुनने आए थे, घड़ी सुना रहे। अब फिर उसके बाद गोविंदा वाले प्रश्न बोलते हैं, सॉरी हाँ गोविंदा बोलते हैं कि आपके और हमारे माथे में फर्क क्यों दिख रहा है, आपके माथे में तिलक जो है वो सीधा है और हमारा तिलक सोया हुआ है। आप जगे हुए और हम सोए हुए, ऐसा कैसे हो रहा है। तो उस समय
पूर्ण बोलते हैं श्री चंद्र पूर्ण. देर इज एज मच डिफरेंस बिटवीन एज बिटवीन यू नो बीस्ट एंड मैन. ये थोड़ा हेवी था बोलते ये इतना फर्क है जितना एक पशु और इंसान में. अंत तक सुनिएगा. शिवजी भगवान के बहुत बड़े महान भक्त हैं. ये सब उनकी प्रेरणा से हो रहा है. ठीक है ना. इसलिए जितने भी शिव भक्त हैं एकदम ध्यान रखकर सुनिए शिवजी क्या कहते हैं. उस समय इतना सुनने के बाद क्या क्या कह रहा है गोविंदा. वो बोलते हैं कि मैं देख रहा हूं कि आजकल कोई नया संप्रदाय आया है ये हरे कृष्ण वाला सीधे तिलक वाला. आज तक हजारों हजारों सालों से तो ऐसा हॉरिजॉन्टल तिलक वाले लोग थे. ये सीधे तिलक वाले लोग कब से आ गए. ये नया कोई संप्रदाय है क्या. ये नया कोई गैंग आया है क्या मार्केट में. बोलते ना ये नया बैंड आया नया गैंग आया है ये नया पोलिटिकल पार्टी आया है. कोई नया पार्टी है क्या ये. उस समय श्री शैल बोलते हैं अरे ये जो हमारा तिलक है ना और जो हमारा संप्रदाय है ये इसलिए हम कहते हैं ना सनातन. तो शिवजी भी सनातन के है. वो बोलते हैं इतना सनातन है आपको पता नहीं है. इन्हें सृष्टि के आरंभ के पूर्व से जब वेदों की रचना की गई तब से है ये. कहते हैं अवर वैष्णविज्म इज नॉट बॉर्न टुडे इट इज एज ओल्ड एज द वेदास. जितने वेद पुराने हैं उतना ही हमारा संप्रदाय पुराना है. उस समय गोविंदा बोलते हैं लेकिन अगर हमने शास्त्र को अगर ठीक ठीक से ढूंढा तो हमें देखने को मिलता है कि शास्त्र को सभी प्रकार के संप्रदाय को साथ में लेकर चलते हैं. राइट. तो उसने श्री शैल प्रणाम बोलते हैं एग्जैक्टली बराबर बोल रहा है. सभी को साथ में लेकर चलते हैं. और यही कारण है कि जिसके जिसकी वजह से आपको शास्त्रों में थोड़ा और गहराई में ढूंढना चाहिए कि परम सत्य क्या है. इसलिए श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय. मुझसे बढ़कर कोई भी सत्य नहीं है हे अर्जुन. अहम सर्वस्य प्रभो मत्तम सर्वप्रवर्तते इति मत्वा वचन्ते मां बुधा भाव संविदा. जितने भी संसार की चीजें हैं सभी का उगम मुझसे ही होता है. बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे. आप तो गोविंदा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था बेचारा चुप. क्योंकि प्रश्न का उत्तर है नहीं उसके पास. क्योंकि प्रश्नों का उत्तर ही ऐसे दिया गया है श्री शैल पूर्ण से. चुपचाप बैठ गए. अब उस समय श्री शैल पूर्ण सोचने लगे मैंने अपना काम कर दिया अभी मैं वापस तिरुपति भाग गए. तिरुपति भाग गए. बोले अभी बचा हुआ काम भगवान विष्णु ही कर लेंगे अभी मुझे कुछ करना नहीं है. चुपचाप चले गए. और वहां पे ऑफकोर्स फिर श्री शैलपुर रामानुजाचार्य के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ हमने ऐसा ऐसा बताया. रामानुजाचार्य कहते हैं कि हो गया काम आपने काम पूरा कर दिया हमारा है ना. अभी और कुछ करने का जरूरत नहीं है. अति प्रसन्न होते हैं. और ऑफकोर्स फिर श्रीपाद रामानुजाचार्य शास्त्रों से ऐसे अनेक श्लोक और संग्रह बताते हैं जिससे पता चलता है कि भगवान श्री विष्णु संसार के आदि मूल कारण है. अगर आप देखेंगे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण में सृष्टि के प्रथम कर्ता कौन है. भगवान विष्णु. भगवान विष्णु के नाभिकमल से कौन उत्पन्न हुआ. ब्रह्मा जी. और ब्रह्मा जी के प्रथम चार पुत्र कौन थे. और जब उनको उन्होंने बोला और ये चार पुत्र कैसे थे छोटे छोटे बालक थे 5 साल के मतलब सनातन काल के लिए उतने रहते हैं बड़े होते नहीं है. तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो बच्चों अभी जरा सृष्टि व्यापार करो. सृष्टि व्यापार मतलब संसार बढ़ाओ जिसके लिए आपको जन्म दिया है. तो बोले भाई नहीं हम नहीं करेंगे हम तो ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी. ब्रह्मा जी को आया गुस्सा क्या मेरे पुत्र होकर मेरी बातें सुनते हो
ब्रह्मचारी हो तो क्या हुआ, वो तुम्हारा ब्रह्मचारी क्या बाढ़ है, मुझे संसार में बढ़ाना है, बच्चे पैदा करो शादी करो। बोले हम नहीं करेंगे, जाओ क्या करोगे, ब्रह्मचारी कुछ नहीं कर सकते थे। तो उनके गुस्से से कौन उत्पन्न हुआ, रुद्र उत्पन्न हो गए शिव जी। तो अगर इस तरह से देखेंगे तो शिव जी का नंबर बाद में आता है, लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि शिव जी एक्चुअली भगवान के गुणावतार है, भगवान विष्णु के। क्षीरं दधि यथा विकारं, जैसे दूध होता है ना और दही होता है, दूध और दही में कुछ अंतर है क्या, अंतर है लेकिन सेम है, वन एंड द सेम बट स्टिल देयर इज डिफरेंस। हाँ मतलब अगर आपको दूध पीना है तो दूध ही चाहिए, दही लाके काम नहीं चलता है, टोटली ऑपोजिट नेचर हो जाता है, लेकिन बना किससे है, दूध से बना है। वैसे ही शंकर जी हैं, तो भगवान के गुण अवतार है शंकर, भगवान शंकर और भगवान विष्णु में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये अंतर है। और इसीलिए अनेक अनेक शास्त्रों से रामाचार्य कहते हैं कि भगवान विष्णु उनकी सेवा करने हेतु भगवान शिव हमेशा क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं, रहते कि नहीं, भोले बाबा बैठ के अपना जपमा किधर के कराते हैं, जप करते रहते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हमने आज तक भोले बाबा को पूछा नहीं, बाबा आप क्या जपते हो, क्योंकि हम तो बाबा के पास जाते हैं, बाबा हमारी झोली है यहाँ पे, मेरा बैग है, मेरा बैग में भर दो कुछ। ब्रह्मचारी का पकड़ बहुत बड़ा होता है ना, तो कभी कभी हमको आम कोई स्पॉन्सर कर दिया था ना, कम से कम 8 आम रहते हैं इस जेल में, 4 इस जेल में 4 इस जेल में, और किसी को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि कुर्ता है ऐसा बड़ा फूला हुआ दिखता है, कुर्ता है क्या है बेचारे गरीब ब्रह्मचारी जा रहे हैं, पता नहीं इधर 4 आम इधर 4 आम। तो शिव जी नाम जपते रहते हैं, प्रभु राम का प्रभु कृष्ण का, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग कभी उनको पूछते ही नहीं, क्योंकि हमारी इतनी इच्छाएं संसार में है, कभी उनसे मुलाकात भी हो जाए हम बोलते रहते हैं धनम देही पुत्रम देही ये देही वो देही, देते रहो हमको। और वास्तविक शिव जी जब किसी से प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो उसको भगवान कृष्ण के पास या विष्णु के पास भेज देते हैं। अगर आप प्रामाणिक हैं और केवल भगवान शिव नहीं बल्कि किसी भी देवता से अगर आप देवता की पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं शुद्ध भाव से बिना किसी भौतिक हेतु के, और वो अगर आपसे प्रसन्न हो जाए तो वो आपको क्या देंगे, भगवान विष्णु का भक्ति देंगे। आपको मैंने वो कथा सुनाया था चंडीदास का, याद है आपको चंडीदास का कथा, चंडीदास के भाई शालिग्राम के पूजक थे, चंडी मतलब कौन, पार्वती दुर्गा, बराबर है, शालिग्राम की पूजा करते थे, इतने छोटे से शालिग्राम था उनका, और उनके चंडीदास यानी कि भाई जो चंडी के पुजारी थे उनका बहुत बड़ा गार्डन था। तो ये बेचारे बोलते थे भैया थोड़ा मेरे लिए फूल दे देना, मेरे शालिग्राम के लिए, मेरा छोटे सा शालिग्राम, मेरे लड्डू गोपाल, नहीं नहीं एक भी फूल नहीं मिलेगा, सारा मेरे चंडी के लिए है। तो चंडीदास बोलता था अपने भाई को जो शालिग्राम के पूजक था, एक भी फूल नहीं देता था, एक भी बेचारा छोटा शालिग्राम कितना फूल लेगा, 4-5 फूल ऐसे छोटे छोटे अगर डाल दिए तो भी हो गया काम उनका, अति प्रसन्न हो गए वो, फूल क्या फूल की पंखुड़ी दे देंगे तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन देता नहीं था वो चंडीदास। तो चंडीदास एक दिन, अभी ये उनका जो शालिग्राम पूजक भाई था वो बोला यार ऐसे देता नहीं, मैं मन में ऑफर कर देता, तो उन्होंने गार्डन के कुछ फूल अपने मन में ही भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिए शालिग्राम को, और उस दिन चंडीदास ने वही फूल उठाकर तोड़कर चंडी को ऑफर किए। उस दिन चंडी तो मूर्ति से बाहर प्रकट हो गई, बोले आज मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूं चंडीदास,
तुझे क्या चाहिए बोल। तो चंडीदास थोड़ा बुद्धिमान था, बोला आज तक आप कभी इतना मुझे बोले नहीं पर्सनल जाकर, आज क्यों बोले आप? ये होता बुद्धि का लक्षण। तो हम जैसे कोई होते तो बोलते अरे आ गए चलो लाओ भाई घोड़ी की तरह झोली की तरह चार इधर भर दो आप फटाफट। हमको मांग मांग के हमारा समय जाता है। तो बेचारे भगवान या देवता कुछ बोलना चाहते बोल नहीं पाते। तो चंडीदास बुद्धिमान थे, बोले कि आज इतना प्रसन्न क्यों हो गए लोग माते, क्या किया आज मैंने ऐसा? तो चंडीदास चंडी दुर्गा देवी बोली आज तूने मुझे मेरे प्रभु का महाप्रसाद दिया है। आपको तो पता है जगन्नाथपुर में कथा है वो विमला देवी की है ना, और दूसरी भी कथा है नारद मुनि की है ना महाप्रसाद की, ऐसी अनेक कथाएं हैं। उस दिन से फिर उस समय चंडी बोली कि मतलब बाद में उन्होंने ब्लेसिंग मांगा, तो चंडी बोली कि अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहता है ना तो तू विष्णु की भक्ति कर, विष्णु का उपासक हो जा। तब से बन गए चंडीदास भगवान विष्णु के बहुत बड़े महान भक्त। उन्होंने कैसे कितने कितने गीत लिखे हुए हैं, जगन्नाथ जी के मंदिर में गीत गाए जाते हैं, गीत गोविंद चंडीदास जी ने लिखे हुए गीत है। महान भक्त बन गए भगवान विष्णु के। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने तो चंडी की पूजा करना छोड़ दिया, वो तो उनके गुरु बन गए ना अभी, जब शिव जी अपने गुरु बन गए है ना। जब शिव जी प्रसन्न होते हमारे ऊपर तो हमें सिर्फ कोई भौतिक लाभ नहीं देते, हमें भगवान विष्णु से जोड़ देते हैं जिससे हमारा परम कल्याण हो जाता है। क्योंकि संसार में हमारा दुख का कारण क्या है, वासनाएं इच्छाएं राइट। और कितने ही पुण्यवान हम रहे फिर भी ये जो शरीर है ये तो हमें कष्ट देगा ही ना। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब बीमारी आएगी तो शरीर कष्ट देगा ना। आप भले कितने ही पुण्यवान क्यों ना हो संसार में, इसीलिए भौतिक जगत में आना मतलब आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो दुखों का सामना ही करना पड़ेगा, बराबर। इसलिए वो सोचेगा बिल गेट के पास तो बहुत पैसा है मजा कर रहा है, अरे जब बुढ़ापा आएगा तो उसको भी सहना पड़ेगा, जब बीमारी आती है तो उसको भी सहना पड़ता है राइट। जैसे उस दिन में महाराज का प्रवचन सुना तो महाराज कह रहे थे कि फ्रांस में एक एक्ट्रेस थी कुछ सालों पहले, तो कह रहे थे कि उसने अपना 50वां जन्मदिन सॉरी 49वां जन्मदिन अकेले में गुजारा टेंशन में किधर तो। फिर उसका 50वां बर्थडे आया तो अपने रूम में बैठकर रो रही थी फूट फूट कर दुख में। क्यों ऐसा क्यों? जिंदगी का एक साल का तो पहले नहीं हुआ था 48 में नहीं हुआ था क्या? 46 में नहीं हुआ था? 45 में नहीं हुआ था क्या? तो तभी क्यों रियलाइज हुआ उसको? आप बोलेंगे हो सकता है उसको किसी ने धोखा दिया होगा, हो सकता है उसको फाइनेंशियल लॉस हो गया होगा, अरे कुछ नहीं हुआ था। अभी देखिए एक्ट्रेस रहकर सुंदर रहेगी, पैसा बहुत रहेगा, पॉपुलर भी रहेगा, लेकिन क्या करे बेचारी दुखी थी कि मेरा सुंदरता धीरे 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 क्या हो रहा है, बिखर रहा है, निखर नहीं रहा है बिखर रहा है। और इस दुख में आकर डिप्रेशन आ गया था उसको। माइकल जैक्सन ने पता कितना सर्जरी किया था, बेचारा सर्जरी कर लेकर थक गया। बाकी भगवान बोले हो गया बस अंतिम तू अपना काम कर लिया, डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। ये भी ऐसी थी, अरे संसार में आपके पास सब कुछ हो लेकिन आपने अगर इस जगत की सत्यता को स्वीकार नहीं किया तो वो आपके तनाव का कारण बनता है। जीवन की सत्यता क्या है कि हमें तो मार खाना ही है। आप भले हरे कृष्ण के वाले क्यों ना हो, बुढ़ापा आएगा तो आपको तकलीफ होगा ना, बीमारी आएगी तो क्या होता है, गोली खाना पड़ता है, थोड़ी बोलते मैं डिवर्टी हूँ मैं गोली नहीं खाऊंगा, डॉक्टर बोलेंगे पागल हो गए ज्यादा जप करके पागल हो गए इसका जप कब करो,
डिवोटी होने के बाद वो बोलते गोली नहीं खाऊंगा, गोली नहीं खाऊंगा, पहले चुपचाप खाता था। हमारे कोई ब्रह्मचारी आए थे कोविड के टाइम में, वैसे तो कुछ हुआ नहीं था हम लोगों को, लेकिन बोले आपको तो ये 5 इंजेक्शन लेना पड़ेगा ये इधर नाभि पे पेट पे, और रोज देते थे। तो हमारे कोई ब्रह्मचारी तो नर्स को देखते नहीं, एक तो तुम दूर रहो दूर रहो, हमारे पास मत आ। तो कुछ डॉक्टर बड़े पागल हो गए ब्रह्मचारी ले। तो कोविड के टाइम में ऐसा हुआ था, भर्ती करते थे प्रसिद्ध हॉस्पिटल, बोले इनको कोविड हुआ है। कुछ हमारे ऐसे ब्रह्मचारी थे तो कोविड वार्ड में सुबह सुबह योगा करते थे, वो सांस छोड़ते आते रहते थे ना, डॉक्टर बोलता भाई फैलाओ मत। ब्रह्मचारी बोलते थे अरे कुछ नहीं हुआ हमें। और एक हमारे ब्रह्मचारी थे उनका तो ऑक्सीजन रहता ना ऑक्सीजन काउंट, उसको एक दिन चेक किया 94, डॉक्टर बोले यार बहुत इसका डाउन हो गया ऑक्सीजन। वो बोला कुछ नहीं हुआ है मुझे, परेशान मत करो। चेक किया फिर 94, तीसरे दिन चेक किया फिर 94, बाद में पता चला कि उसका नॉर्मल 94 ही है। वो एबनॉर्मल नहीं है, उसका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि वो 94 भी नॉर्मल है उसके लिए। लेकिन डॉक्टर बोलता था इसको बीमारी है, इसको बीमारी है, इसको ठीक करो। अरे मेरे कुछ नहीं हुआ है बोलते। तो ऐसा होता है कोविड के टाइम में, जिसको कुछ हुआ चाहे आप ब्रह्मचारी हो कर्मचारी हो गृहस्थ हो सन्यासी हो सबको, तो वो एक बार आप उस लपेट में आ गए मेडिकल वालों के, तो आपको तो 5 इंजेक्शन और बाकी सब गोलियां सब कुछ खाना ही पड़ा ना। थोड़ी उन्होंने बोला कि अरे नहीं नहीं ये ब्रह्मचारी है ये इसको छोड़ दो इसको कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, भौतिक शरीर जब लिया तो सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए भौतिक जगत में हम लोग जो आए हैं हम सबको तकलीफ तो सहना ही पड़ेगा, है ना। मौसी को पता है सबसे एक्सपीरियंस मौसी को ज्यादा, है ना, ये शरीर को सहना पड़ेगा, दूसरे जो हमारे पास में बैठे हुए शरीर है उनको भी सहना पड़ेगा। अभी मच्छर घूम रहे हैं मेरे आसपास, अभी तक काटा नहीं, वो सोच रहे हैं ये कुछ अलग स्पीशीज लग रहा है कि अलग जाति है, यू नो ऊपर बाल नहीं है, इसको काटोगा तो क्या होगा, पक्का खून मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए हम तक काटा नहीं घूम रहे हैं, लेकिन काटेगा समझ में मिलेगा तो, राइट। तो ये सब मैं क्यों बता रहा था, शिव भक्त। तो चंडीदास उस दिन के बाद बहुत महान बन गए भगवान विष्णु के, इसका मतलब नहीं उन्होंने शिव जी को छोड़ा, शिव जी उनके परम गुरु बन गए, फिर पार्वती शिव जी है ना उनके परम गुरु बन गए। तो इस प्रकार ये दो ट्रिक लगाने के बाद, पहला ट्रिक क्या था, वो आके बोले थे अरे इनकी पूजा करके क्या फल मिलेगा, दूसरा ट्रिक तो पत्ता छोड़ा था इतना लंबा डिस्कशन हुआ, तीसरा ट्रिक वो करते हैं कि अपने बहुत बड़े भक्त के समुदाय में लेके आते हैं, उधर काला हस्ती की जगह था वहीं पे अपना तंबू ठोक देते हैं और उधर बैठकर प्रवचन चालू कर देते हैं। तो अभी बेचारा गोविंद तो पहले से घायल हो गया था, अब थोड़ा ही बाकी था लास्ट का एक हथौड़ा कि बेचारा खत्म, कि कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए अभी। तो वहां पे आके उन्होंने प्रवचन चालू किया, दिव्य प्रबंध जो श्री बात रामानुजाचार्य पहले जो आके गए अनुवाद करके 12 भगवान के महान भक्त हैं उनकी भी अलग अलग कथा है, वो भी करेंगे हम बाद में कभी। तो ऐसा दिख रहा था जब वो प्रवचन कर रहे थे कथा बता रहे थे और है ना शास्त्रों से अनेक अनेक युक्तिवाद दे रहे थे, तो बड़ा लंबा कन्वर्सेशन है। आप लोग हैं मेरे साथ, आज किसी को नींद नहीं आ रही क्योंकि मेहरबानी है आने की। हाँ पीछे कुछ लोग बैठे हैं उनको आया तो दूर दिख रहा होगा। ठाकुर जी को मैंने बुलाया 8:30 बजे कीर्तन करने के लिए, वो सोच रहे हैं कि यार बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ, क्या कर रहे हैं अभी शिव जी थोड़ा मूड में आ गए। एक पसंद पूरा करते हैं फिर हम लोग कीर्तन करेंगे, फिर आपको पसंद आइएगा।
बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को अपनी वृंदावन यात्रा जा रही है करके पता नहीं चला ना, चला सबको पता चला मतलब आप लोगों का टाइम टेबल आगे पीछे है, किसी को कुछ काम है सेवा है। हम लोग जाएंगे अगली बार साउथ इंडिया, ठीक है ना, दक्षिण भारत। अगली बार मतलब कब जाएंगे? ये ऐसा बोल रहा है क्योंकि आपको पता है क्या प्रभु अगले अगले इसमें हमको तो सात जन्म साथ में चलना है, सात जन्म का रिश्ता है हम लोगों का, नहीं है ना आशीष? सात जन्म का है ना हम लोगों का रिश्ता, क्या बहुत जन्म होगा, मतलब स्पिरिचुअल रोड में एक साथ सेवा करेंगे हम लोग। तो उस समय रामानुजाचार्य सॉरी गोविंदा सुन रहे थे, उस समय श्री शैलपुर बोल रहे थे एक्सेप्ट द वन गॉड कृष्णा विच अदर डिजर्व्स फ्लावर ऑफ वर्शिप। क्या हो रहा है कि गोविंदा उस समय शंकर जी के लिए फूल तोड़ने के लिए आए, फूल तोड़ रहे थे बेचारे पेड़ से, हाथ में उनके फूल था। उसी समय उन्होंने ये सुना कि अरे भगवान विष्णु को छोड़कर ये फूल और किसको दोगे, और किसी को देने के लिए योग्यता नहीं किसी की उस फूल को लेने की, भगवान विष्णु और कृष्ण को छोड़कर। तो बेचारा पहले से उसका हो गया था, नहीं बोला अंदर से, जैसे हमारे कैलाश को आएंगे आज आए नहीं, हमारे कैलाश तो इधर मंदिर में आते थे राधा गोपीनाथ बहुत साल पहले जब डिवोटी नहीं बने थे, तो मंदिर में आके दर्शन करते थे और नीचे बाजू में सपना पा रहे होंगे आपको सपना होटल में उधर आके दोस्तों के साथ। तो पहले दिन आए दर्शन किया कीर्तन किया हरि बोल फिर गए आए बाहर एकदम नए थे, जाके होटल में बैठ कर और खुद स्पॉन्सर करते थे महाप्रसाद बाकी लोगों के लिए, अरे आ जाओ मेरे दोस्तों वहां प्रसाद मिलेगा तुमको मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड। तो पहला दिन हो गया, फिर दूसरे दिन भी आए हो मंदिर में दर्शन किया घूम रहे अभी अभी भी वो मतलब समझ में नहीं आया उसको कि क्या जाती है। फिर दूसरे दिन आए दर्शन किया फिर चले गए, फिर बोले अरे आ जाओ दोस्तों वहां प्रसाद। तीसरे दिन भी आए दर्शन किया कीर्तन किया फिर गए, फिर तीसरे दिन टेबल पर बैठ के सोच रहे थे मैं क्या कर रहा हूं यार, क्योंकि तब तक क्या हो गया था जैसे गोविंदा को भर आया अभी अंदर, क्योंकि दर्शन किया भगवान का कीर्तन किया भक्तों के साथ, तो फिर कुछ कुछ होने लगा अंदर। ये कुछ कुछ केवल उधर नहीं होता है इधर भी होता है। तो हम लोग संसार में सोचते हैं कि कुछ कुछ केवल वहां होता है, अरे जब भगवान से अगर आपको होने लगे कुछ कुछ तो समझ जाइए कि आपका बेड़ा पार हो गया। तो तीसरे दिन जब चालू किया था महाप्रसाद बांटना दोस्तों को, सोचने लगे यार ये सब ठीक नहीं है, ये गलत है, मुझे नहीं पीना चाहिए। तीन दिन के अंदर उनका हरि बोल हो गया। तुम बताते कभी आए तो बताएं कि आज नहीं यहाँ पे, उसके बाद आज तक वापस कभी उधर मुड़ के नहीं गए, फिर तो बन गए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। कितना समय लगा? अगर आप प्रामाणिक है तो तीन दिन में आपका परिवर्तन हो सकता है, सिर्फ एक ही योग्यता चाहिए प्रामाणिकता। फिर आज देखिए हमारा हर प्रोग्राम का कभी स्पॉन्सर होता है तो करते हैं कुछ लोग, लेकिन हर प्रोग्राम का स्वीट वही स्पॉन्सर करते हैं, हर प्रोग्राम का। आपके लिए जो मालाएं आई थी ना वो भी उन्होंने स्पॉन्सर की थी, मेरे हर प्रोग्राम की माला वही स्पॉन्सर करते हैं,
कितना चेंज हो गया सोचे जरा, जब अभी दूसरों को पिलाते थे आज आप लोग पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, 3 दिन के अंदर परिवर्तन हो गया। ये होता है इफेक्ट वैष्णव सत्संग और भगवान विष्णु के दर्शन का। तो हम भी ऐसे ही आए ना, लेकिन इतना फास्ट मैंने नहीं देखा था किसी का, जितना फास्ट उनका रिकवरी हो गया था 3 दिन के अंदर। तो गोविंदा जब सुनते हैं ये फूल भगवान विष्णु को छोड़कर और किसको अर्पण करोगे, कोई अर्पण करने लायक नहीं। गोविंदा ने सुना तो उनके हाथ से यू नो वो जो एक बास्केट लाया था उन्होंने, वो बास्केट उन्होंने नीचे रखा, पेड़ से उतर गए। उतरने के बाद अपना जो रुद्राक्ष का माला था वो तोड़ पाड़ के फेंक दिया। अभी नारा था शिव भक्त कोई भी तोड़ पाड़ के फेंक दिया। अपना जो तिलक था उसको पोस्ट पास डाला हॉरिजेंटल, और फिर जो वहां पे श्री शैल पुरण थे उनके पास जाकर बड़े आर्त भाव से बोलने लगे, सही कहा आपने, सही कहा, सही कहा, भगवान विष्णु को छोड़कर ये फूल किसी को भी अर्पण नहीं किया जा सकता। हरि बोल। और जितना भी फूल था वो पूर्ण के चरणों में रखकर रोने लगे, बोले ये सही कहा, परफेक्ट कहा, भगवान विष्णु ही पूज्य है, उनको छोड़कर और कोई पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग शिव जी की पूजा नहीं करते, ऐसा नहीं है ना। ये सब लीलाएं ये शिव जी खुद दिखा रहे हैं कि मुझसे परम भगवान विष्णु है, आप अगर उनकी आराधना करोगे तो मैं आपसे अति प्रसन्न हो जाऊंगा। ठीक है ना चिंतन। और ये शास्त्रों का निचोड़ है, मर्म है। और भगवान शिव जी कई प्रसंगों में कहते हैं ये कि भगवान नारायण उनकी भक्ति करने से मेरी भक्ति अपने आप हो जाती है, राइट। तो उसके बाद यू नो उसका भूख लगना चालू हो गया, थोड़ा थोड़ा अलसर हो रहा है। खिड़की का एसी, अच्छा तो कम कर दो ना, कहाँ गया हमारा बॉडी गार्ड, सो गया क्या, थोड़ा रिमोट लेके एसी का कर दो, बेचारे ठंड में ठुर रहे हैं। वृंदावन में तो इसका 10 मिनट ठंडी रहेगा। आप कैसे, आपको कैसे बोल हिंदी में ही गया है हमारा, आपको एंटरटेन करने के लिए आते हैं। उस समय गोविंदा बोले लगे, नो 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 वन एल्स कैन डिजर्व। बोले होली सर, मैं आज तक अज्ञान में था और अज्ञान में रहने की वजह से मैं इस तरह से मार्ग से भटक गया था, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, राइट कहने लगे। ठीक है, उनको कष्ट मत दीजिए, धारण किए हुए विष्णु है तो फिर मैं भिक्षा पात्र लिए हुए शिव जी का पूजा क्यों कर रहा हूँ। करते हैं ऐसा कि धनवान है ना, ऑफ कोर्स शिवजी तो सबसे बड़े, शिवजी के भक्त सबसे बड़े विडंबना क्या देखे, शिवजी बेचारे झोपड़ी में रहते, झोपड़ी में नहीं उनका, किधर रहते हो, लेकिन किधर रहते हो, पेड़ के नीचे, उनका खुद का घर नहीं है, लेकिन उनके भक्त जैसे रावण का भक्त था ना, सोने के बैल घर, कितनी बड़ी विडंबना सोची, शिवजी खुद कुछ रखते नहीं है लेकिन अपने भक्तों को भर भर कर देते हैं, क्योंकि भक्तों को ही चाहिए होता है, वो कभी पूछते नहीं, अरे शिव जी आप ही बताते हमको, आप खुद क्यों नहीं भर भरा लेते हैं। वो कहते हैं यार मेरे पास जो चीज है वो आपके पास थोड़ी है, मेरे पास तो भगवान विष्णु का नाम है जो कई रत्नों और सोनों से बढ़कर है, आपको चाहिए हो, नहीं होना चाहिए हमको, जैसे प्रभुपाद के पास कुछ आए थे लोग बोले स्वामी जी हमें आशीर्वाद दीजिए,
प्रपोजल सबको भाषा में चाहिए क्या? देखो आपका हेयर स्टाइल डर जैसे हो जाएगा, तो डर गए हो। बोले नहीं स्वामी जी, ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए हमको, वैसा वो वाला दूसरा वाला। प्रपोजल बोले वो वाला नहीं हम देते। तो हम अगर मांगेंगे तो मिलेगा ना, हम लोग मांगते नहीं, कोई जिज्ञासा ही नहीं करते, राइट। इस प्रकार है ना गोविंदा वो बोलने लगे कि कहां यू नो तुलसी के पत्ते और कहां बेल के पत्ते, मतलब तुलना कर रहे हैं ऐसे। भगवान विष्णु और शिव जी के भक्तों एक आपस में मजाक करते हैं, थोड़ा सा ऐसा चर्चा चल रहा है। इस प्रकार जब ये सूचना फैल गई काला अस्थि के जो टेम्पल के लोग थे कि अरे बाप रे, हमारा गोविंद तो गया काम से, उसका तो परिवर्तन हो गया, ये तो कन्वर्ट हो गया। तो वो तुरंत गए गोविंदा का हाथ पकड़े, बोले कहां जाते प्रभु, आप टेम्पल पर छोड़ो। तो गोविंदा बोले छोड़ दे रहा, आपका अपवित्र अशुद्ध हाथ मुझे लग रहा है अशुद्ध हो गया हो। इसका बोल रहे अपने लोग बोल रहे जो काला अस्थि में सेवा करते थे, बोले नहीं चाहिए कोई तुम्हारा संग, ये रेडी टेम्पल की चाबी और ये रुद्राक्ष भेंट लेके जाओ, मैं आज से भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। और वहां से निकल पड़े। उस समय काला अस्थि के जो टेम्पल के लोग थे, थोड़ी पुजारी सब लोग थे, वो एक्चुअली श्री शैल पुराणे के पास आए और बोले सर हमें आपको चीज बतानी। बोले क्या चीज बतानी? बोले कि देखिए स्वामी जी, कल हमारे सपने में भगवान शिव आए थे और भगवान शिव ने सपने में आकर क्या बताया हम बताएंगे अगले हफ्ते, तो आपको आना पड़ेगा सुनने के लिए कि क्या शिवजी ने कहा। बड़ा अद्भुत चीज कहा उन्होंने, और जो उसको नहीं सुनेगा वो फिर शिवजी के चरण में अपराध कर देगा। पता नहीं प्रसाद मंदिर में से ले लीजिएगा। तो शिव जी ने क्या कहा? अगले हफ्ते सुनेंगे। ठीक है, बड़ी सुंदर चीजें कही है उन्होंने, बड़ी रोचक चीजें कही है, जो कि भगवान विष्णु के भक्ति को उजागर करते हैं और शिव जी के प्रति भी आपका बहुत प्रेम और भक्ति बढ़ेगा। ठीक है, इतने शिव भक्त हैं उनको मेरा सादर दंडवत प्रणाम। उनके चरण में साष्टांग प्रणाम। तो नंदी जी के चरण में जो धूल है वो भी पवित्र करती है, राइट। ऐसा तो उन्होंने कंपेयर करने के लिए कहा, क्योंकि भक्तों के चरणों में धूलि होती है वो भगवान के चरणों की धूलि से ही बनकर आती है। हमें इसका कहने का सार तात्पर्य ये है कि हमें फाउंडेशन नहीं भूलना चाहिए, हमारा जो मूल आधार है वो नहीं भूलना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि इमीडिएट चीज देखते हैं, अभी लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन यही जो गणेश जी ने लिखी हुई गीता हम क्या कहते हैं नहीं हम गीता भी पढ़ेंगे, तो आप का गणेश भक्त है आपको, मतलब गणेश भक्ति का करने का अधिकार भी नहीं है जब आप उनके दिए हुए शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते। गणेश जी ने लिखे ना सब शास्त्र, वैसे जी ने बोला गणेश जी ने लिखे। वास्तविक गणेश भक्त अगर कोई रहेगा ना गीता भागवत का अध्ययन करेगा वो, नहीं तो फिर आप केवल वो अपना डीजे बजा के घूमेंगे, अच्छा है चलो कुछ, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। उसे पूर्ण करना है तो हमें शुरू में मैंने कहा था, क्या कहा था, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हर भक्ति उत्पाद देवी के रूप में केवल उत्पाद मचाएंगे आप लोग से, बिना शास्त्र के आधार पर भक्ति करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमें इस्कॉन के माध्यम से श्री प्रभुपाद इतना सुंदर गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सबको भक्ति दे रहे हैं, राइट। सब वंदनीय है, सारे देवता है ना, ब्रह्मा जी विष्णु शिव सब वंदनीय है, जो कि अल्टीमेटली आपको संदेश देते हैं कि भगवान कृष्ण को पूजा कीजिए, गोपीनाथ जी को पूजा कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। स्टोरी आप नहीं देखेंगे समय के अभाव की वजह से, ठीक है ना चिंतन। हरे कृष्ण, श्री धूमपान की
श्रीपाद रामानुचार्य की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। भोले बाबा की जय। और भगवान मोतीराज की जय। तो अभी आप सब लोग खड़े तरीके से अभी तो खड़े हो जाइए, नृत्य कीजिए। भगवान विष्णु और कृष्ण का उद्धार करें आप लोग। Thank you.
Thank you.
Thank you.